हम बात कर रहे हैं HFCL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 3% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। लगातार गिरावट के बाद स्टॉक ने, हम देख सकते हैं, 82 के लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ। 92.53 के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, तो इस गिरावट के साथ स्टॉक ने अपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप लेके अपने हाई के आसपास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है, इसी के पास सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर गिरावट आनी होती तो स्टॉक यहाँ से हमको गिरावट दिखाता और इस लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता था, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ से अब जो हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है, रिकवरी देखने के लिए मिली है। जहाँ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 92.50। हमने इससे पहले टारगेट के तौर पर इसको डिस्कस किया था, इस लेवल को 92.50 के लेवल को, जब 90 को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर चुका था, स्टॉक बाउंस बैक हो रहा था, उस वक्त हमने डिस्कस किया था 92.50 का लेवल 90 के ब्रेकआउट के बाद टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। यहाँ इस लेवल को आप स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसी के आसपास क्लोजिंग दिखाई है और रिकवरी के साथ हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिले, तो ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा, हम देख सकते हैं जहाँ इससे पहले स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, अब वही एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ सपोर्ट लिया था वो एरिया 94 का लेवल। इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा अपना, 94 का लेवल, और 94 के लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट दे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 100 इसका तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, तो 100 का लेवल जो है ये सेकंड टारगेट रहेगा अपना, और 102 तक का भी जंप स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। 100 से लेके 102 तक का भी जंप इस बाउंस बैक के साथ हमको HFCL दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।